हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे और सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से चला रहे होंगे। एटलीस्ट आपको जो कॉम्पिटिटर आपके साथ में तैयारी कर रहा है उससे तो बहुत अच्छे तरीके से कर रहा। करना पड़ेगा, गेट की एग्जामिनेशन है, इसको फोड़ने के लिए आप पढ़ रहे हो, मनोरंजन के लिए एग्जाम देने नहीं जाओगे? यस और नो? तो करना पड़ेगा, खुद को आलस्य से दूर करना पड़ेगा। उठो, जागो, पढ़ो। और पढ़ना ही इम्पोर्टेंट नहीं है बेटा, रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है? चलो, हो गई बात। सो लास्ट टाइम तो डिस्कशन में हमारे क्या था सर? एरर्स की बात हो रही थी, स्टेडी स्टेट एरर, लेकिन यूनिटी फीडबैक सिस्टम के लिए। सर, यूनिटी फीडबैक सिस्टम के लिए जब आप एरर की बात कर रहे हो तो आपने तीन इनपुट्स के लिए आपने क्या देखा? सबसे पहली बात तो कि एरर जो है वो फंक्शन है किसका? एक तो इनपुट और एक सिस्टम्स पैरामीटर जी ऑफ एस और आर ऑफ एस। ROPS में आपने क्या किया? तीन इनपुट्स ले लिए, यूनिट स्टेप ले लिया, रैंप ले लिया, पैराबोलिक ले लिया, और तीनों के रिस्पेक्ट में स्टेडी स्टेट एरर कैलकुलेट कर दी। फॉर्मूले आपकी खोपड़ी में घुस गए हैं। यदि यूनिट स्टेप है तो 1/1 KP, रैंप 1/KV, पैराबोलिक 1/KA, एवरीथिंग इज क्लियर। आज हम आगे बढ़ाएंगे बिकॉज सिस्टम्स को देखने वाले हैं, क्योंकि जब आपने एरर की बात करी, ई ऑफ एस की बात करी, तो उसका फॉर्मूला आप लोगों ने खुद ने कैलकुलेट किया था और वो था दिस। यस और नो, टेल मी। एंड दिस फॉर्मूला वाज फॉर द यूनिटी फीडबैक सिस्टम भैया। ओके, तो सर यहां से हमने देखा ऑलरेडी कि ई ऑफ एस जो है ना वो फंक्शन है किसका? आर ऑफ एस का एंड जी ऑफ एस का। तो ROPS की तो बात हो चुकी है, ROPS को रख के हम तीन अलग अलग फॉर्मूले लेके आ गए। अब उन्हीं फॉर्मूले में जी ऑफ एस भी है, तो जी ऑफ एस से फाइनल स्टडी स्टेट एरर क्या आ गई उसका समझ में आने वाला है हमें। तो इसके लिए हम क्या करें? हम सिस्टम्स को देखेंगे। यस और नो? तो सर सिस्टम्स को देखोगे तो लास्ट टाइम आप बता चुके हो कि सिस्टम में जनरली हम क्या क्या देखने वाले हैं। हम टाइप जीरो देखेंगे, टाइप वन देखेंगे एंड टाइप टू सिस्टम देखेंगे, है ना? टाइप टू, टाइप थ्री, टाइप फोर क्यों नहीं? बिकॉज वो अपनी एरिया में नहीं है। एरिया में मतलब नॉन लीनियर सिस्टम्स, जितना ज्यादा टाइप नॉन लीनियर सिस्टम आपको पूछा नहीं जाता गेट एग्जामिनेशन में, इसलिए डिस्कशन का कोई मतलब नहीं। ओके सर, लास्ट टाइम आपने जी ऑफ एस को जब माना तो आपने तो सिंपली लिख लिया था के एस प्लस एस वन, एस प्लस एस टू, दीज आर द जीरो। सर मुझे पता है सर, एस प्लस एस ए, एस प्लस एस बी एंड सो ऑन, सपोज मल्टीपल पोल्स, मल्टीपल जीरो सर देर। नाउ हमने तो देख लिया कि सर दिस एन इज नथिंग बट द टाइप, टाइप ऑफ द सिस्टम, है ना? अच्छा, हम जब बेसिक्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम पढ़ रहे थे वहां पे हमने एक बात सीखी थी कि टाइप हमेशा डिफाइंड होगा ना, तो वो किसी भी सिस्टम के ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के लिए ही होगा, ओ एल टी एफ के लिए ही डिफाइंड होगा, टाइम टाइप, ठीक है? टाइप इज डिफाइंड, आप लिख लीजिए, टाइप इज डिफाइंड, नहीं पूरा इसको हटाना पड़ेगा जी, फिर से लिख लेते हैं जो हम ऑलरेडी वहां पर डिस्कशन कर चुके। टाइप इज डिफाइंड फॉर, ये मस्ट कंडीशन है, फीडबैक जो होना चाहिए ना वो यूनिटी होना चाहिए। यदि क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करो उसका एंड देन टाइप कंक्लूड करो, ऑलरेडी हम बेसिक्स में पढ़ चुके हैं। चलो तो आज हम शुरू करते हैं और हम एक टाइप जीरो सिस्टम सबसे पहले लेते हैं, ठीक है? ठीक है साहब। सो टाइप जीरो सिस्टम कैसा रहेगा? फॉर एग्जाम्पल, चलिए जी ऑफ एस आपने लिया के एस प्लस एस वन, एस प्लस एस टू, ये एक जनरलाइज फॉर्मूला में लिख रहा हूं, एस टू द पावर जीरो रहेगी, एस प्लस एस ए और एस प्लस एस बी, यह टाइप जीरो सिस्टम, यानी कि यहां पे एस की पावर कुछ भी नहीं है, यानी कि वन अवेलेबल है, एस टू द पावर जीरो इज नथिंग बट वन। ओके सर, सो दिस इज द टाइप जीरो सिस्टम। कहां से पता चल गया? सर हमें पता है एस की पावर डिनोट्स द टाइप, और यहां पे एस की जो पावर है दैट इज क्या है बेटा? जीरो। टाइप जीरो सिस्टम हो गया। अब टाइप जीरो सिस्टम के होने से क्या होता है? देखो आपके पास
इनपुट्स वही हैं। क्या क्या है इनपुट? स्टेप इनपुट है सबसे पहले आपके पास, ओके सर कोई इश्यू नहीं है। आपके पास रैंप इनपुट है भाई साहब, ठीक है नो इश्यूज। आपके पास पैराबोलिक भी है, ठीक ओके। नाउ इन तीनों के रिस्पेक्ट में आपने स्टेडी स्टेट एरर ऑलरेडी फाइंड कर ली है, और वो स्टेडी स्टेट एरर इसके लिए है 1/1 KP, इसके लिए है 1/KV, इसके लिए है 1/KA, ये फाइंड कर चुके हैं आप। अब आप यहाँ इसको जब देखे तो आपने क्या देखा कि जो केपी है ना आपका, वो केपी अपना वैल्यू लेके रखा है, एंड दैट इज लिमिट एस टेंस टू जीरो जी ऑफ एस, यस और नो? आपका केवी की वैल्यू जब आप फाइंड कर रहे हो सो वो होगी लिमिट एस टेंस टू जीरो भाई या एस जी ऑफ एस। आप के ए फाइंड करोगे तो वो हो जाएगा लिमिट एस टेंस टू जीरो एस स्क्वायर जी ऑफ एस, दीज आर द वैल्यूज यू हैव। नाउ देखो, यदि आप फाइंड आउट करना चाहते हैं स्टेडी स्टेट एरर फॉर न्यू स्टेप, तो केपी की वैल्यू लिखना पड़ेगी। केपी की वैल्यू यहां से आएगी, मतलब केपी केवी के सब किस पे डिपेंडेंट है भैया? सर इस पे डिपेंडेंट है, यस और नो? ठीक है, तो चलो केपी केवी के तीनों फाइंड कर लेंगे तो हमारे पास स्टेडी स्टेट एरर हम बता सकते हैं क्या? सर बिल्कुल बता सकते हैं। चलो तो सबसे पहले मैं फाइंड करने जा रहा हूं केपी, एंड केपी इज नथिंग बट 1/ लिमिट एस टेंस टू जीरो एंड द एंटायर थिंग जी ऑफ एस विच यू हैव टेकन ओवर हियर। चलिए एस की वैल्यू जीरो रखेंगे, तो एस की वैल्यू जीरो रखेंगे तो व्हाट यू विल गेट? कांस्टेंट यू विल गेट, ये जीरो है, ये एस वन एस टू एस ए एस बी सब कुछ मिला के ये कांस्टेंट है। ये एस वन की वैल्यू होगी मान लो 2 है, 3 है, ये 4 है, ये 1 है, तो बस कांस्टेंट ही आपको मिलेगा। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे के बार लिख लेता हूँ, यानी कि मुझे कांस्टेंट मिलेगा, पक्की बात है, मानते हो आप इस बात को? यदि आपने टाइप जीरो सिस्टम लिया है और उस टाइप जीरो सिस्टम को के भी फाइंड करना जा रहे हो तो आपको कांस्टेंट मिलेगा जी, बिल्कुल। अच्छा लेट्स फाइंड आउट द के वी, और के वी इज नथिंग बट लिमिट एस टेंस टू जीरो एस गुणा जी ऑफ एस। चलिए इसकी वैल्यू भी रख दीजिए भैया, हाँ जी एस गुणा जी ऑफ एस का मल्टीप्लाई कीजिए इस एंटायर थिंग में, एस इक्वल टू जीरो रख दीजिए, तो आप खुद सोचिए एस का जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे और एस की जगह जीरो रखोगे तो दिस एंटायर कहानी वुड बी जीरो, आपने कर लिया होगा, बहुत अच्छी बात है। सिमिलरली आप जब के ए फाइंड करोगे तो उसकी वैल्यू क्या है? सर लिमिट एस टेंस टू जीरो, सर हमें याद हो गया सर, बहुत अच्छी बात है बहना। सो एस स्क्वायर जी एस इस, ये भी जीरो वैल्यू होगी। ओ हो, टाइप जीरो सिस्टम के लिए पोजिशनल एरर कोफिशेंट कॉन्स्टेंट होगा लेकिन के वी के दोनों जीरो होंगे। इन दोनों के जीरो होने से क्या लोचा होगा? अब आप देखो जरा, बड़ा मजा आएगा अब आपको ये लोचा देखने में। कैसे? कि यदि स्टेप इनपुट है, कहाँ लिखूं मैं, अब यहाँ लिख देता हूँ। चलिए अगेन ये है आपके पास स्टेप इनपुट, आपके पास है रैंप इनपुट और आपके पास है पैराबोलिक इनपुट, ठीक है साहब? चलिए बहुत बढ़िया उत्तम। के ए की वैल्यू, के कांस्टेंट है यानी कि 1/1 कांस्टेंट, मतलब इंटायर थिंग इज नथिंग बट द कांस्टेंट, ठीक है डिनोट कर दीजिए के डबल बार से कर दीजिए, मतलब मुद्दा यह है कि दिस इज द कांस्टेंट। कांस्टेंट के लिए एक काम कर देता हूँ, सी ही लिख देता हूँ, है ना, विल गेट सम वैल्यू। कहाँ से पता चले यार, डिफाइन करें एस वन की वैल्यू क्या, एस टू की, ये सब मिलके बताएंगे, बट कांस्टेंट मिलेगा ये बात सत्य है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे 1/KV की वैल्यू, तो जीरो है बेटा, सो ये मिल गई इन्फिनिटी और ये भी मिल गई इन्फिनिटी। अरे ये तो कुछ हो गया, क्या हो गया, निष्कर्ष क्या निकला इस पूरी कहानी का? इसका निष्कर्ष ये निकला कि यदि आपके पास टाइप जीरो सिस्टम है, क्या है भाई साहब, टाइप जीरो सिस्टम, पक्की बात? जी हाँ पक्की बात सर। तो टाइप जीरो सिस्टम में आपका
स्टेडी स्टेट एरर जो है टाइप जीरो सिस्टम में, स्टेडी स्टेट एरर जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए निकलेगा? टाइप जीरो सिस्टम में यूनिट स्टेप इनपुट के लिए ही एरर निकलेगा, बाकी के लिए जीरो। यानी कि फॉर टाइप, इसको थोड़ा इधर लिख देता हूं, निष्कर्ष ये है कि टाइप जीरो सिस्टम है, आपके पास इनपुट्स हैं और आप बात कर रहे हैं स्टेडी स्टेट एरर की। आपके पास यदि स्टेप इनपुट है तो आपको कॉन्स्टेंट वैल्यू मिलेगी, लेकिन यदि रैंप इनपुट हुआ तो आपको इन्फिनिटी मिलेगा। यदि पैराबोलिक इनपुट हुआ, पूरा लिख लेता हूं, तो आपको इन्फिनिटी मिलेगी। ये निष्कर्ष निकला, यानी कि टाइप यदि जीरो हुआ और इनपुट स्टेप हुआ तो कॉन्स्टेंट। टाइप जीरो का भाई कौन हो गया इधर? स्टेप इनपुट। अच्छा, अब देखो जरा यहां ध्यान से, यदि स्टेप इनपुट का आप लिखोगे तो स्टेप इनपुट क्या होता है? यू ऑफ टी। ये क्या होता है? टी यू ऑफ टी। और ये क्या होता है? टी स्क्वायर बाई टी यू ऑफ टी। ध्यान से देखिएगा जरा, ये इनपुट्स की इक्वेशंस है ना। मैं काम करता हूं, मैं इनपुट के ऑर्डर को टाइम डोमेन में सिर्फ याद करने के पॉइंट ऑफ से आपको सिखा रहा हूं, और इनपुट का ऑर्डर जो है ना मैं टाइम से लूंगा, टी टाइम से। जैसे कि यू ऑफ टी, इसके साथ में मान लो आप टी टू द पावर जीरो भी है, टी टू द पावर जीरो यू ऑफ टी लिख सकता हूं, कोई इश्यू तो नहीं है। चलो एक काम करूंगा, इनपुट टाइम डोमेन में इसका ऑर्डर में टाइम की पावर से यदि लिखूं, सिर्फ याद करने का एक तरीका बता रहा हूं, नथिंग एल्स। इनपुट इनपुट जो है उसकी ऑर्डर या उसकी पावर लिख लीजिए, उसमें टाइम की पावर लिख लीजिए वो, और सिस्टम का टाइप यदि बराबर हो जाए तो ही आपको कॉन्स्टेंट पॉइंट मिलेगा। लेकिन यदि इनपुट का ऑर्डर, जैसे कि यहाँ पे टी की पावर वन टी की पावर टू, इनपुट का ऑर्डर टाइप से बड़ा हो जाए तो इनफाइनाइट मिलेगा। तो यहां से हमने ये लिखा कि यदि इनपुट का ऑर्डर है ना, इनपुट ऑर्डर इज ग्रेटर देन टाइप ऑफ द सिस्टम, टाइप ऑफ सिस्टम, इसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं, इनपुट का ऑर्डर या इनपुट की पावर इज ग्रेटर देन दिस, सो आपको स्टेडी स्टेट एरर के नाम पे इंफिनिटी मिलेगा। समझ में आ गई बात? इफ इनपुट का ऑर्डर इज ग्रेटर देन द टाइप ऑफ द सिस्टम यू विल गेट इन्फिनिटी। सिस्टम की टाइप जीरो है लेकिन आप उसको टी की पावर वन टी की पावर टू वाले इनपुट्स दे रहे हो, तो यू विल गेट इनफाइनाइट एरर। याद रख लोगे, नहीं भी रखोगे तो ये इतना ज्यादा यूज होगा कि आपकी मेमोरी में हो जाएगा, ठीक है ना। सिमिल क्या सीखा? इनपुट ऑर्डर इज ग्रेटर देन टाइप ऑफ द सिस्टम देन इन्फिनिटी। बट यदि हमेशा रहेगा ये कि इनपुट का जो ऑर्डर है ना वो यदि बराबर हो जाए टाइप ऑफ द सिस्टम, टाइप ऑफ द सिस्टम्स के, तो आपको बेटा एरर हमेशा कॉन्स्टेंट मिलेगी। लेकिन यदि इनपुट का ऑर्डर टाइप से छोटा हो जाए, टाइप ऑफ द सिस्टम से छोटा हो जाए, तो आपको एरर हमेशा जीरो मिलेगी। इसका एग्जांपल अभी टाइप वन में देखेंगे हम, है ना। अच्छा सर, ये तीन ये जो लिखा है ना, ये चाहो तो याद कर सकते हो, नहीं भी तो कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, टाइप वन में आपको और मजा आएगा, है ना। चलो मैं ले लेता हूं टाइप वन सिस्टम, टाइप वन सिस्टम। चलिए सब, सो टाइप वन सिस्टम के लिए मैंने जी ऑफ एस लिया के एस प्लस एस वन एस प्लस एस टू एंड एस टू द पावर वन रहेगी एस प्लस एस ए एस प्लस एस बी लिख लिया मैंने। अब मुझे अगेन एरर फाइंड करनी है, तो तीन पैरामीटर मुझे फाइंड करने हैं, केपी, और केपी की वैल्यू क्या है बेटा? लिमिट एस टेंस टू जीरो जी ऑफ एस। रखिए जरा, जी ऑफ एस में एस इक्वल टू जीरो रख दीजिए आप,
तो आपकी वैल्यू आ रही है सर इनफाइनाइट, बिकॉज वन अपॉन जीरो इज नथिंग बट द इनफाइनाइट. ठीक है, लेट्स फाइंड आउट द केवी. और केवी इज नथिंग बट लिमिट एस टेंस टू जीरो एस मल्टीप्लाई विथ जी ऑफ एस. तो ये एस जो मल्टीप्लाई हुआ और जी ऑफ एस में ऑलरेडी एक एस है डिनोमिनेटर में, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिए, ये ऊपर का है नीचे का, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिए. नाउ जी ऑफ एस में सिर्फ और सिर्फ इतना कहानी बची, और यदि जीरो रखोगे तो क्या मिलेगा बेटा, कॉन्स्टेंट वैल्यू मिलेगी. जो भी मिले वो डिफाइन करेंगे सिस्टम्स के पैरामीटर. चलिए अब हम फाइंड करते हैं के ए, ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या है बेटा, लिमिट एस टेंस टू जीरो एस स्क्वायर जी ऑफ एस है वैल्यू. अच्छा एस स्क्वायर है, एक एस तो कट जाएगा इससे, लेकिन एक एस की पावर बच जाएगी, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही बेटा, जीरो आ रही. सर बहुत मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया, मजा आना भी चाहिए. अब देखो जरा ध्यान से, अब अगेन इनपुट लेंगे और एरर्स लेंगे. ठीक है सर, तो ये ले लिए मैंने इनपुट्स और ये ले ली स्टेडी स्टेट एरर्स. इनपुट्स लिए मैंने स्टेप इनपुट, मैंने ले लिया रैंप इनपुट, एंड आप लोगों के रिकमेंडेशन पे मैंने ले लिया पैराबोलिक इनपुट. ठीक है साहब, ओके सर. सर इसकी वैल्यू होती है वन अपॉन वन प्लस के पी सर. ठीक है, वन अपॉन वन प्लस के पी की वैल्यू तो इनफाइनाइट आई, सो सर दिस इज नथिंग बट जीरो. वाह सर, इसकी वैल्यू होती है वन अपॉन के वी. सर के वी तो है कॉन्स्टेंट, सो वन अपॉन कॉन्स्टेंट इज ऑल्सो अ कॉन्स्टेंट, जो भी हो उसकी वैल्यू लेकिन कॉन्स्टेंट होगा. वट अबाउट दिस सर, दिस इज नथिंग बट वन अपॉन के ए सर, वन अपॉन जीरो सर, सो इनफाइनाइट सर. ओहो, तो यहाँ से भी क्या देखा आपने, अगेन अपना फॉर्मूला एकदम फुल प्रूफ हुआ. क्या हुआ फॉर्मूला, इनपुट का ऑर्डर क्या है आप बताओ जरा. इनपुट का ऑर्डर यदि टाइप के बराबर हो जाए तो व्हाट वी विल गेट, कॉन्स्टेंट एरर बोल लिखेंगे हम. दिस इज नथिंग बट द एरर, अगेन जो हमने लास्ट टाइम लिखा था वही आ रहा है ना हमारे पास. इनपुट का ऑर्डर इस केस में क्या है भैया, वन है. टाइप क्या है इसका, टाइप देखो सॉरी टाइप वन है, और इनपुट का ऑर्डर वन किस में है, रैंप में है ना, तो सिर्फ और सिर्फ इसके लिए कॉन्स्टेंट मिल रहा है. बार बार लिखने की क्या जरूरत जब लिख ली है एक बार, है ना. सिर्फ यहाँ पे समझाना चाहिए मुझे और आपको समझना चाहिए. देखो इसका ऑर्डर है ना यहाँ पे टी यू ऑफ टी, ये पावर देखो बस आप, टी की पावर वन है और यहाँ टाइप वन है, वन वन तो यहाँ कॉन्स्टेंट मिल रहा है. और हमने क्या देखा था, यदि इनपुट टाइप बड़ा हो जाए, हमने देखा था ना इफ टाइप इज ग्रेटर देन इनपुट तो विल गेट जीरो. देखो टाइप वन और इसका ऑर्डर है जीरो, टाइप बड़ा हो गया सिस्टम से तो जीरो मिला. ठीक है, और आपने देखा था कि जब आई बड़ा हो जाए टी से तो यू विल गेट इन्फिनिटी. इनपुट बड़ा हो जाए टाइप से तो इन्फिनिटी, जो मैं बोल रहा हूँ सब समझ में आ रहा है सर. इनपुट यहाँ पे टी की पावर टू, ऑर्डर टू है लेकिन टाइप वन है, टू इज ग्रेटर देन वन, वी आर गेटिंग इनफाइनाइट. आपका तरीका आपको मुबारक, जिसे भी याद करना चाहो, याद नहीं भी करना है तो कॉन्सेप्ट तो बड़ा मक्खन की तरह समझ में आ रहा है सर. आप जो बोल रहे हो चीख चीख के, हमें सब कुछ समझ में आ रहा है सर. बहुत बढ़िया, अति उत्तम. तो चलो फिर एक काम करते हैं, टाइप टू भी ले लेते हैं साथ में. सो दिस इज नथिंग बट टाइप टू सिस्टम ले रहा हूं मैं. ठीक है चलो, सो दिस इज नथिंग बट जी ऑफ एस कॉन्स्टेंट एस प्लस एस वन एस प्लस एस टू डिवाइड बाई एस स्क्वायर एस प्लस एस एस प्लस एस बी. ठीक साहब, ओके. अगेन तीन कॉन्स्टेंट है आपके पास, के पी है और के पी की वैल्यू है लिमिट एस टेंस टू जीरो जी ऑफ एस. क्या आएगा बच्चे, इनफाइनाइट आएगा, है ना. अरे रख देना यार, एस की जगह जीरो, वन अपॉन जीरो इतना बड़ा इन्फिनिटी. लेट्स फाइंड आउट द के वी. के वी इज नथिंग बट लिमिट एस टेंस टू जीरो एस गुना जी ऑफ एस, इसकी वैल्यू भी इन्फिनिटी आ रही, रख ले. उसके बाद है एक्सेलरेशन एरर कॉन्स्टेंट और उसकी वैल्यू है लिमिट एस टेंस टू जीरो
एस स्क्वायर जी ऑफ एस इज इक्वल टू एस स्क्वायर से एस स्क्वायर कट गया तो क्या बचेगा जी, कॉन्स्टेंट बचेगा जी, क्या जी, कॉन्स्टेंट जी। ठीक है आगे आ जाओ फिर, है ना। चलो अब अगेन एरर्स, इनपुट है मेरे पास, मेरे पास स्टेडी स्टेट एरर्स है। इनपुट्स कौन कौन से हो गए सर, स्टेप हो गया, रैंप हो गया एंड पैराबोलिक हो गया भैया। स्टेप इनपुट तो क्या मिलेगा, जीरो जीरो, और ये कॉन्स्टेंट मिलेगा। परफॉर्म कर लिए आप, अरे भाई जीरो कैसे मिला, वन अपॉन वन प्लस के पी, के पी इज नथिंग बट इन्फिनिटी, वन अपॉन इन्फिनिटी इज नथिंग बट जीरो, दिस इज नथिंग बट वन अपॉन इन्फिनिटी, और वो जीरो होता ही है, और यहाँ पे तो वन अपॉन कॉन्स्टेंट है सो उसकी वैल्यू कॉन्स्टेंट है। अगली बात समझ में। अब एक फाइनल कंक्लूसिव चार्ट देख लो, चलिए ये फाइनल टेबल देख लेते हैं। क्या लिखा मैंने इसमें, टाइप ऑफ द सिस्टम जो कि हम लिखेंगे जीरो वन एंड टू, ये टाइप लेंगे। पोजिशनल एरर कोफिशियंट, वेलोसिटी एरर कोफिशियंट, एक्सेलरेशन एरर कोफिशियंट, और यहां है स्टेडी स्टेट एरर्स, स्टेप इनपुट के लिए, रैंप के लिए, पैराबोलिक के लिए। ठीक है सर, स्टेप इनपुट के लिए जो एरर थी वो क्या थी सर, वो थी वन अपॉन वन प्लस के पी, यहाँ के लिए थी वन अपॉन के वी, और इसके लिए थी वन अपॉन के ए, ये हम ध्यान रखेंगे। चलिए हम लेते हैं टाइप जीरो, और टाइप जीरो ले लिया सिस्टम, तो स्टेप इनपुट में वन प्लस के, के माने कॉन्स्टेंट आया था, यस, लेकिन रैंप के लिए क्या था भाई साहब, जीरो जीरो, पैराबोलिक के लिए भी जीरो जीरो, यानी कि ये पार्ट कॉन्स्टेंट है लेकिन ये दोनों इनफाइनाइट आया था ना, ये दोनों इनफाइनाइट थे तभी वो जीरो एरर आया। कहाँ देखा ये हमने, अरे भाई अभी तो किया टाइप जीरो सिस्टम के लिए, देख लो स्टेडी स्टेट एरर आई इनफाइनाइट इनफाइनाइट, ओके ये इनफाइनाइट इनफाइनाइट आई एरर, तो वो दोनों आए जीरो जीरो, है ना। वेट अ मिनट, एरर जो हैं वो आ रही हैं इन्फिनिटी इन्फिनिटी, अरे यार मिटाना पड़ेगा अच्छे से। ये दोनों आए जीरो जीरो और ये इन्फाइनाइट ये इन्फाइनाइट, ठीक है। सिमिलरली रैंप इनपुट हो जाए और पहला टाइप हो जाए तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपको मिलेगा वन अपॉन के वी, यहाँ पे मिलेगा वन अपॉन के ए, जो भी उसकी वैल्यू है कॉन्स्टेंट है तो के लिख लीजिए इंस्टेड ऑफ दिस, इंस्टेड ऑफ लिख दीजिए वन अपॉन के, और यहाँ पे भी लिख दीजिए वन अपॉन के। इसके इधर है इन्फिनिटी, इसके इधर है जीरो जीरो जीरो। सिमिलरली आपका वैल्यू मिलना है यहाँ, यहाँ मिलेगा जीरो या इन्फिनिटी, और ये वैल्यू यहाँ पे ये इनफाइनाइट ये इनफाइनाइट। जो भी आपने किया है सारा मैंने यहाँ पे कर दिया है, याद रख पाएंगे, गुड। अगली क्लास में मिलेंगे क्वेश्चंस के साथ।